Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you are watching me for the first time, hi, I am Sustava Roy and welcome to another video. So आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ एक फुल फेस वेस्टर्न पार्टी मेकअप शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग विद द स्किन प्रिपरेशन. सो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा फेस जो है वो हाइड्रेटेड रहे एंड साथ में जो स्वेट है वो भी कंट्रोल में रहे. सो बेसिकली आज का ये जो लुक होने वाला है ये एक फुल कवरेज लुक होने वाला है. एंड एज यू गाइस नो कि वेडिंग सीजन इज ऑन, सो एक फुल कवरेज वाला पार्टी मेकअप तो बनता ही है. एंड ये वाला जो लुक है ये बिल्कुल ही स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही ग्लोइंग भी होने वाला है साथ में. सो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए एंड पूरे स्टेप्स को भी एंड तक देखिए, आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. सो नेक्स्ट मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है मॉइस्चराइज़र एंड उसे अपनी स्किन में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक जेल बेस्ड प्राइमर लगा रही हूँ, स्पेशली जहाँ जहाँ पे मेरे बहुत ही ज़्यादा ऑयलीनेस होता है मेरे टी जोन पे. सो वहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन में मैं अपने प्राइमर को भी ब्लेंड कर रही हूँ. सो नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाय फिलिंग अप माय आईब्रोज. सो यहाँ पे मैं एक ब्लैक पोमेड ले रही हूँ एंड एक आईब्रो एंगल्ड ब्रश की मदद से मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर रही हूँ. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो कलर करेक्टर पैलेट है वहाँ से ये क्रीम कलर का शेड ले रही हूँ एंड इसी की मदद से मैं अपने आईब्रोज को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर लूँगी एंड आईलिड्स पे भी इसी को ही अप्लाई कर लूँगी ताकि आई शेडो का बेस जो है वो रेडी हो जाए. ऑल्सो इस पैलेट का फुल डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अप है, सो अगर आप लोगों को देखना है देन डू चेक इट आउट. ये बहुत ही एक यूज़फुल पैलेट है जो कि मतलब एक बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि एक पैलेट में आप लोगों को बहुत कुछ एक साथ मिल रहा है. सो या लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. और नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ जो कंसीलर है उसको सेट कर रही हूँ. सो नाउ जस्ट स्टार्टिंग विद द आई मेकअप. सो आज का मेरा जो ये आई मेकअप है ये थोड़ा सा बोल्ड होने वाला है, लाइक इट इज़ फुल ऑफ कलर्स, क्योंकि ये एक पार्टी मेकअप है सो थोड़ा सा गॉर्जियस आई मेकअप तो बनता है. सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइट पिंक कलर का शेड एज अ ट्रांजिशन लिया एंड फिर मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ विद अ डार्कर डीप पिंक शेड. और गाइज आज का मेरा जो कलर है वो बहुत ही बैठा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, सो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप लोग टॉलरेट कर लीजिए. एंड फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा ग्लिटर ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा. एंड ये एक ब्राउन टू गोल्डन टाइप का जो मिडिल वाला शेड होता है, मेटेलिक शेड जो ऐसा होता है वैसा वाला एक ग्लिटर है, तो उसे मैं बहुत ही अच्छे से अपने फिंगर्स की मदद से ही प्लेस कर रही हूँ. एंड ये प्रेस्ड ग्लिटर टाइप का है सो ये बहुत ही अच्छे से आपके आई शेडो पे स्टिक हो जाता है. एंड फिर मैं यहाँ पे और एक फ्लफी ब्लश ले रही हूँ एंड फिर ग्लिटर और कलर दोनों को एक साथ फिर से एक बार ब्लेंड कर रही हूँ ताकि फिनिशिंग जो है वो अच्छा आए. ऑल्सो काफ़ी सारे पैलेट्स में प्रेस ग्लिटर्स ऑलरेडी दिया रहता है और अगर आप लोग अलग से कोई भी प्रेस ग्लिटर का पैलेट खरीदना चाहते हो सो आप लोग वो खरीद सकते हो क्योंकि प्रेस ग्लिटर्स रहने से ना बहुत ही ईजीली जो आई मेकअप होता है वो हो जाता है, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से ग्लिटर्स लग जाता है आईज़ पे एंड फिनिशिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छा आता है. सो नेक्स्ट फॉर द आई मेकअप आई एम डूइंग अ विंग लाइनर. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन. सो दिस इज़ वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन, फोटो फोकस फाउंडेशन. ये बहुत ही एक अच्छा वाला फाउंडेशन है जो कि मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करता है. सो इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस फाउंडेशन फॉर श्योर.
एंड सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। सो यहाँ पे मैं अपने अंडर आइज़ पे थोड़ा सा और अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए अपने फेस के हायर पॉइंट्स पे अच्छे से कंसीलर का अप्लाई कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पे मैं कॉन्टोर भी अप्लाई कर लूँगी ताकि दोनों प्रोडक्ट को मैं एक साथ ब्लेंड कर पाऊँ। सो बिफोर ब्लेंडिंग एवरीथिंग मैं यहाँ पे अपने स्पंज को थोड़ा सा अपने टोनर की मदद से ही भिगा रही हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं इसको पूरा वेट कर दूंगी तो ब्लेंड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब सैगी हो जाएगा ब्यूटी ब्लेंडर एंड अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा ही वेट हो जाएगा। तो सो यहाँ पे मैं टोनर की मदद से ही थोड़ा सा वेट करके फिर अच्छे से पूरे जो प्रोडक्ट है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड बहुत ही अच्छे से आपको सारे प्रोडक्ट्स को स्किन में ब्लेंड करना है, क्योंकि समर का टाइम है, स्वेटिंग होगा तो बहुत ही जल्दी जो क्रीम प्रोडक्ट्स है सारे के सारे वो मतलब गल जाएंगे एंड मतलब विजिबल हो जाता है फेस पे। सो बहुत ही अच्छे से अपने ब्लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए एंड येस ऑलवेज ट्राई कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो थोड़ा सा वेट ही रहे। सो नेक्स्ट जो स्टेप है आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो गाइज, मतलब ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक स्वेट प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हो समर सीजन में। सो इस स्टेप को आपको ज़रूर से ही करना है। सो यहाँ पे मैं लूज पाउडर ले रही हूँ एंड उसी के साथ अपने फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ एंड इसको एक्चुअली बेकिंग भी बोलते हैं। सो बेक कर रही हूँ बेसिकली, मतलब ऐसे लूज पाउडर को लगा के हम लोगों को अपने फेस को एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स छोड़ देना है ताकि पाउडर जो है वो अच्छे से जो क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर बैठ जाए एंड बिल्कुल जो है एक मैट फिनिश आए एंड मेकअप लॉक हो जाए स्किन में। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स फिर आप लोगों को जो पाउडर है उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है अपने फेस से, मतलब जो एक्सेस पाउडर है उसको एक फ्लफी ब्रश की मदद से अच्छे से रिमूव कर लेना है ताकि कुछ भी एक्सेस ना लगे स्किन में एंड आप लोग इंस्टेंटली एक बहुत ही मैट फिनिश अपने फेस पे देख सकते हो एंड बहुत ही अच्छे तरीके से जो मेकअप है वो सेट हो जाता है। एंड फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ ब्लश विद द लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम जस्ट हर्ब्स का जो मिनी लिपस्टिक सेट मैंने खरीदा था, उसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है अगर आप लोग देखना चाहते हो। सो द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू चेक इट आउट। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक जो कि उसी सेम किट से है एंड ये वाला शेड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक पिंक न्यूड कलर का शेड है। एंड गाइज मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं ऑफ़ कैमरा मैंने काजल पहन लिया है, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी कारण से। एंड सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। सो मैं अपने फिंगर्स की मदद से ही अच्छे से अपने फेस पे हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी। लास्टली मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी विद अ मेकअप फिक्सर। सो गर्मियों के टाइम पे आप ज़रूर से ही मेकअप फिक्सर का अप्लाई करें ताकि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड सो हियर वी गो, हियर इज़ द फाइनल लुक। सो ये लुक बहुत ही एक ग्लोइंग मेकअप लुक है एंड इस समर सीजन इट इज़ गोना बी स्वेट प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग एज वेल एंड यू आर गोना रॉक दिस वेडिंग सीजन विद दीज सुपर अट्रैक्टिव आईज एंड ग्लोइंग बेस। अगर आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस एज सून एज आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।